सामने आया है। हत्या का दिल दहला देने मामला रायपुर का पूरा मामला है। नाबालिग पर चाकू से वार कर आरोपी जावेद फरार हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है और वीडियो भी इसका देखा जा सकता है। बोरिया खुर्द के आरडीए कॉलोनी में रविवार रात हत्या की वीडियो सामने आई है। नाबालिग पर बेरहमी से चाकू से वार कर आरोपी जावेद फरार हो गया। आरोपी का साथी जुबेर और अन्य लोग ये वीडियो बनाते रहे। रविवार को बोरिया में हुई नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया था और मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी की हमारे साथ में संवाददाता हेमंत जुड़ गया है। हेमंत, अब वीडियो भी सामने आ चुका है तो आरोपी को पहचाना जा सकता है आसानी से। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? हेमंत से संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी बेरहमी से आरोपी युवक को मार रहा है और उसके दोस्त से ये पूरा वीडियो बना रहे हैं और पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो नाबालिग की हत्या का अब ये पूरा मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ में संवाददाता हेमंत जुड़ गए हैं। हेमंत, अब पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और ये वीडियो सामने के बाद आने के बाद पुलिस ने और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? देखिए, रविवार रात टीकापारा इलाके के भूले खुर्द स्थित कॉलोनी में नमाज को मारकर हत्या की गई थी और इसमें हत्या के बाद पुलिस में जांच कर रही थी और जांच के बाद दो जो आरोपी हैं जुबेर और जावेद, दोनों आपस में सगे भाई हैं, इनको गिरफ्तार किया था। और अब जो सामने आया है वीडियो, वो कहीं कहीं जो पुलिस पर भी सवाल निशान खड़ा करता है कि किस तरीके से हम वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां पर जो नाबालिग को मारा जा रहा है। वाकई में हेमंत, देखकर समझ आता है कि पुलिस का जो खौफ है वो इस तरह के आरोपियों से बिल्कुल निकल चुका है और यही वजह है कि बीच रोड पर नाबालिग पर किस तरह से युवक वार कर रहा है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।